हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट मेड इजी आज हम शुरू करने वाले हैं अल्ट्रा प्रोमैक्स रिवीजन ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट टू हम पहले 25 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में आज हम ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आई होप सो आपने पहली वीडियो देख ली होगी अगर नहीं देखी होगी तो आप देख लेना मैं प्रिंड कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ केसेस तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है हमें पता है इसका आंसर क्या होगा एलवीओलाई तो आपको पहले इसमें एलवीओलाई के सारे फीचर्स भी पता होने चाहिए कि वो वेस्कुलराइज होते हैं इरेगुलर शेप होते हैं और बैग्स होते हैं वेस्कुलराइज बैग्स बाकी भी आप पढ़ लेना जो भी एनसीआरटी में इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है अगर आपको याद नहीं है तो नेक्स्ट इज द ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन डैश फ्टर नॉर्मल डैश तो यहाँ पे देखिए वैसे ही डेफिनेशन पूछी गई है तो वह आपको पता होनी चाहिए सो फर्स्ट डैश का आंसर होगा एक्सपायर एंडक्ट वन इज इंसाइरेशन तो पूरा आंसर बनेगा एक्सपायरेटरी कपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन नेक्स्ट इज ए ट्वेंटी एट क्वेश्चन प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेज इज नोन एज डैश प्रेशर कौन सा प्रेशर था वो पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज डैश फॉर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे पी ओ टू और जो पी होगा वो कैसा होगा स्मॉल पी एंड डैश फॉर सी ओ टू तो वो होगा पी सी ओ टू पी स्मॉल आएगा नेक्स्ट इज अ ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन पी ओ टू ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डैश एम एम ऑफ एच जी एंड पी सी ओ टू इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डैश एम एम ऑफ एच जी तो ये जो मैंने आपको टेबल कराई थी ए ए डॉट के नाम से तो उसमें सारी जो वॉल्यूम्स दी हुई थी ये आपको वहां से कवर करना है तो इसका आंसर होगा दोनों में फोर्टी फोर्टी नेक्स्ट इज द थर्टी क्वेश्चन द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन इन द ब्लड तो कितने टाइम्स हायर होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है सीओ टू और ऑक्सीजन में से ज्यादा सोल्यूबल कौन है कार्बन डाइऑक्साइड ये पूछा जाए कितनी ज्यादा टाइम्स है तो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी नेक्स्ट इज दर्टी वन क्वेश्चन The diffusion membrane is made up of three major layers dash epithelium of alveoli, डैश ऑफ एलवीओलर कैपिलरीज एंड डैश इन बिटवीन दम तो मैंने आपको बताया था कि diffusion membrane तीन major layers से बनी होती है तो आपको उनकी पूरे नाम अच्छे से ध्यान होने चाहिए तो पहला क्या होगा स्क्वेमस एपीथिलियम ऑफ एलव्योलाय द सेकेंड वन इज एंडोथ थीलियम ऑफ एलवीओलर कैपिलरीज एंड थर्ड इज द बेसमेंट सबस्टांस इन बिटवीन दम दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्क्रेम एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई है और जो एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज है उनके बीच में कौन सी मेम्ब्रेन होती है कौन सी लेयर होती है दैट इज द बेसमेंट सबस्टांस नेक्स्ट इज दर्टी टू क्वेश्चन टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन इज डैश मैंने आपको कितनी बताई थी दैट इज लेस देन वन मिलीमीटर अगर ऑप्शन में वन मिलीमीटर mm हो तो वो गलत होगा लेस देन वन मिलीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज दर्टी थ्री क्वेश्चन एल्वियोलर वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज डैश सेल थिक वॉल तो हमें बताया हुआ था डायग्राम के अंदर अगर आपको ध्यान हो दैट इज वन सेल थिक वॉल तो डायग्राम से भी आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आने चाहिए नेक्स्ट इज अ थर्टी फोर क्वेश्चन अबाउट डैश परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डैश परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड अगर आपको एचपी का मतलब नहीं पता दैट इज हीमोग्लोबिन तो कितना होता है ऑक्सीजन ट्रेवल कितनी परसेंटेज दैट इज नाइनटी सेवन परसेंटेज

इच हिमोग्लोबिन मोलिकूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ डैश मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको बताया था काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो फर्स्ट विद हीम्लोबिन इन अ रिवर्सिबलर है रिवर्सिबलो अभी तो याद रहेगा चैप्टर पढ़ रहे हो लेकिन बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसे ढंग से मतलब सर्कल कर लेना टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन नेक्स्ट इज ईच एच बी मोलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सम ऑफ हाउ मनी मोलिक्यूल्स फोर मोलिक्यूल ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट इज अ एज डैश कर्व तो करेक्ट आंसर क्या होगा सिग्मोइड कर्व याद रखना है सिग्मोइड और इस कर्व को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीजन कर्व नेक्स्ट इज थर्टी एट क्वेश्चन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन इन दी एलव्यूलाई फेवरेबल फैक्टर्स आर हाई पीओ लो सी ओ टू डैश एच प्लस कंसनट्रेशन एंड डैश टेम्परेचर तो ये मैंने आपको बताए थे ना ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा कब डिसोशिएट होगा कब कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा कब वो डिसोशिएट होगा तो आपके इनके फैक्टर्स याद रखने हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बनने की बात करी गई है पहले तो ये बताया हुआ है कि होता का है एल्वियोलाइम में फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए हाई पी चाहिए और लो सी चाहिए एच प्लस कंसनट्रेशन कैसी चाहिए लेसर चाहिए एंड टेम्परेचर कैसा चाहिए वो भी लो चाहिए नेक्स्ट इज द थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश एम एल ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है तो वो कितना ट्रेवल करेगा फाइव एम एल ऑफ ऑक्सीजन लेकिन यहीं अगर सीओ टू की बात होती तो वो करता है फोर एम एल नेक्स्ट इज द फोर्टी एथ क्वेश्चन सीओ टू इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एस डैश तो किस फॉर्म में कैरी करते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोक्साइड की बात होती तो होता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेकिन यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है तो होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन ने फोर्टी वन क्वेश्चन सीओ टू प्लस वाटर फॉर्म्स एच टू सीओ थ्री विच इज नोन एज द कार्बोनिक एसिड द अबव रिएक्शन इज बाय द एंजाइम डैश विच इज प्रेजेंट इन हायर कंसेंट्रेशन इन डैश एंड इन माइन्यूट कंसेंट्रेशन इन डैश ऑफ ब्लड तो पहले तो एंजाइम कौन सा चाहिए होता है वो आपको ध्यान रखना है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स अब एक और चीज अगर मैं आपको बता दूं बायोमोलिक्यूल चैप्टर से इसे चाहिए होता है जिंक एज अ को फिर ये प्रेजेंट कहा होता है मेनली ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर जिन्हें हम इरेथ्रोसाइड के नाम से भी जानते हैं और कुछ और क्वांटिटीज कहा प्रेजेंट होती है इसकी इन दी प्लाज्मा ऑफ ब्लड नेक्स्ट इज अ फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली डैश एमएल ऑफ सीओ टू इन एलव्यूलाई ये तो हमने अभी कवर किया है सीओ टू कितना होगा फोर एमएल और ऑक्सीजन कितना था फाइव एम एल ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इज अ फोर्टी थ्री क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू एट दी एलव्यूलाई एंड टिश्यूज अकर बाय डैश तो कौन सी प्रोसेस से होता है ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू नेक्स्ट इज अ फोर्टी फोर क्वेश्चन रेस्पिरेटरी रिदम इज में रेस्पिरेटरी सेंटर इन डैश रीजन ऑफ द ब्रेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है मेड्यूला रीजन में नेक्स्ट इज फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन अडैस सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन एंड कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेड्यूला कैन ऑल्टर द रेस्पिरेटरी मकैनिज्म तो कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स में न्यूमोटेक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ होता है मेड्यूला में ये भी ध्यान रखना है अब इस लाइन से आपको रिकॉल हो गया होगा ये काफी इंपॉर्टेंट पैरा था तो ये अच्छे से कर लेना सारे सेंटर्स आपको बतानी चाहिए कहां पर रेस्पिरेटरिज्म सेंटर है कौन सा न्यूमोटेक्सिक सेंटर है उसकी लोकेशन क्या है उनका फंक्शन क्या है तो ये आपको अच्छे से कवर करना है नेक्स्ट इज द फोर्टी सिक्स क्वेश्चन द कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेड्यूला इज सेंसिटिव टू डैश एंड डैश तो वो किस किस चीज को लेकर सेंसिटिव होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच प्लस आयन्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना है प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है नेक्स्ट इज ए फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एयोटिक आर्च एंड डैश रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच प्लस कंसेंट्रेशन तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे वो रिसेप्टर्स एयोटिक आर्क में और कैरोटेड आर्ट्री में और ये दूसरी तरीके से अगर पूछा जाए कि जो रिसेप्टर्स एयोटिक आर्क और कैरोटेड आर्ट्री में प्रेजेंट है वो किन के अंदर चेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच प्लस कंसेंट्रेशन नेक्स्ट इज ए फोर्टी क्वेश्चन डैश इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड तो ब्रॉन्हा पर कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात हो रही है दैट इज द अस्थमा तो अब आपसे एक और तरीके से पूछा जाए कि इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या होता है दैट इज अ वीजिंग साउंड और इसके अंदर क्या होता है मेनली इन्फ्लामेशन होती है इन्फ्लामेशन किसकी होती है ट्रैक की नहीं इसमें इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकाई की

दैट इज लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट एंड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग कैन लीड टू द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू डैश एंड दस कॉज सीरियस लंग डेमेज तो क्या चीज को लीड करते हो दैट इज फाइव ब्रोसेज तो आई होप से आपके चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा क्वेश्चन भी अब आपसे हो रहे होंगे सारी लाइन्स आपको रिकॉल हो रही होंगी दोबारा आपको चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप पूरा चैप्टर एट्टी मिनट्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरा एनसीआर टी मैंने एट्टी मिनट्स में कवर कराई है तो वो आप कर सकते हैं थैंक यू सो मच